भारत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 1,70,000 के करीब पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर के निर्यात को पूरी तरह से अब प्रतिबंधित कर दिया है। खगड़िया जिला मुख्यालय में आईएमए की जिला शाखा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोरोना काल में चिकित्सकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हो रही है 3 चुनावी रैलियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार विकास मिशन की शासकीय निकाय की बैठक में प्रदेश में विकास की गति को तेज करने का दिया निर्देश। गन्ना विकास और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आयोजित नगर निगम की बैठक में स्थानीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य सरकार ने कहा है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए खुदा वक्त लाइब्रेरी के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज मधुबनी कांड में घायल पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें सहायता राशि प्रदान की। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान पर्व है। दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसका सजीव प्रसारण किया गया। प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था इमारत शरिया और खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ ने आज रमजान उल मुबारक का चांद देखे जाने की अपील की है।